वो पहला व्यक्ति है जो मैंने नेपाल में संस्कृत में सब, लेकिन 3 करोड़ नेपाली का मुझे संबोधन, इसलिए 3 करोड़ को नेपाली को सम्मान के लिए, उनका सिर ऊंचा करने, सबों का साथ जोड़ने के लिए, एकता के भाव दिखाने के लिए, यह संस्कृति भाषा सबो भाषा का जननी, सबो भाषा का माता है, इसलिए संस्कृत में शपथ लेने के बाद में सबो भाषाओं का संबोधन हो, इस हिसाब से हमने यह संकल्प लिया और बहुत शानदार ढंग से हमने संस्कृत में शपथ लिया और वह सफल हुआ। होली मिलन समारोह तो एक बहाना है, यह समाज को दिल से दिल मिलने का, समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, हमारा स्लोगन है, हमारा संदेश है कि तेली जगाना है, भारत बनाना है। बहुत अच्छा लगा, यह भारत आज से नहीं, पड़ोसी राष्ट्र भारत और नेपाल के बीच में हमारा बेटी रोटी का संबंध रहा है और रहेगा, और हम लोग एक आपस में, यह हमारा सो सभ्यता, मानव सभ्यता, संस्कृति जो है हमारा भारत और नेपाल के साथ सदियों से बेटी रोटी का संबंध रहा है और रहने वाला है, और इसी संबंध के साथ हम लोग आगाड़ी बढ़ रहे हैं। और यह जो होली मिलन कार्यक्रम में यहाँ के तैलिक साहू समाज द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम भी रखें और मेरा अभिनंदन भी कार्यक्रम रखें, आज मैं बहुत प्रफुल्लित और खुशी भी हूँ, और यहाँ के सब तैलिक समाज के सब लोगों को, यहाँ जो इंजीनियर डॉक्टर लगाए उद्योगी व्यापारी जितने यहाँ उपस्थित थे, सभी लोगों को, इसके बाहर भी हमारे जितने मानव सभ्यता संस्कृति में जुड़े हुए हरेक जात जाति सबों को मैं होली के पावन अवसर पर उन्नति प्रगति दीर्घायु का हार्दिक हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। तैलिक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मत समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग का मानव का जीवन क्या है, जीवन पद्धति क्या है, जीवन विज्ञान क्या है, वह चीज़ पर आधारित होकर अपने संस्कार और संस्कृति को आगाड़ी बढ़ाएं, और उस संस्कार संस्कृति को अगर हम लोग आगाड़ी बढ़ा रहे हैं तो हमारा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि घर में कोई किस्म की झगड़ा कलह नहीं होगा, और सत्य न्याय समानता के पक्ष में आगाड़ी बढ़े, और हमारा भी शुभकामना है, और उन लोगों के साथ सत्य और न्याय समानता के पक्ष में आगाड़ी बढ़ेंगे तो मेरा भी उन लोगों को साथ है। सर, एक चीज़ आपके बारे में निकल के आता है कि राजनीति, नेपाल के राजनीतिक वर्ष में पहली बार आपने संस्कृत में शपथ लिया, कितने सच्चाई? यह तो सही है, नेपाल के संसदीय अभ्यास में अभी तक मैं पहला व्यक्ति हूँ जो संस्कृत में शपथ लिया, और उस शपथ लेने के बाद में नेपाल के विभिन्न संघ संस्थाओं से लेकर हर एक जगह मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है, और राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगह पर भी सम्मान देने के लिए बहुत जगह से इनवाइट आ रहा है, कार्य व्यवस्था के चलते मैं नहीं जा रहा हूँ, विदेश में भी मुझे बुला रहा है, मैं बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं, जो सामाजिक संजाल के माध्यम आप लोग देखिएगा, वो पहला व्यक्ति है जो मैंने नेपाल में संस्कृत में शपथ लिया। लास्ट सवाल, ये संस्कृत वाला कोटेशन थॉट आपके माइंड में कैसे आएगा, क्योंकि नेपाल के जितने भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं वहाँ के राष्ट्रीय भाषा से शपथ ग्रहण करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, आपके माइंड में कहाँ से आया? यह तो मैं ईश्वर के साथ अधिक स्नेह रखता हूँ, धर्म संस्कृति में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, हमको ईश्वर ने मुझे एकाएक प्रेरणा दिया कि नेपाल की संसद में अभी तक कोई संस्कृत में शपथ नहीं लिया है, अगर तुम्हें वह चीज़ याद है, अगर उस चीज़ को संस्कृत में शपथ कर सकते हो तो संस्कृत में लो, यह ईश्वर का प्रेरणा के द्वारा ही हमने आगाड़ी बढ़ा, और आप सत्कर्म कीजिएगा, अच्छा कर्म कीजिएगा तो ईश्वर ने अच्छा अच्छा कर्म देते रहता है, अच्छा अच्छा विचार देते रहता है, उसी पर प्रभावित होकर हमने सोचा नहीं था कि मुझे इतना संस्कृत में शपथ लेने के बाद में मुझे इतना सम्मान मिलेगा, लेकिन आज बहुत तो सम्मान मिल रहा है, बहुत खुशी लगता है, और लेने का मूल मकसद यही था कि हमने अपने मैथिली भाषाएँ भी ले सकते थे, भोजपुरी भाषाएँ, बजका भाषाएँ भी लेते थे, एक मध्य प्रदेश का एक कोना का संबोधन होता, लेकिन 3 करोड़ नेपाली का मुझे संबोधन करना था, इसलिए 3 करोड़ को नेपाली को सम्मान के लिए, उनका सिर ऊंचा करने के लिए, सबों का साथ जोड़ने के लिए, एकता के भाव दिखाने के लिए, यह संस्कृति भाषा सबो भाषा का जननी है, सबो भाषा का माता है, इसलिए संस्कृत में शपथ लेने के बाद में सबो भाषाओं का संबोधन हो, इस हिसाब से हमने यह
संकल्प लिया और बहुत शानदार ढंग से हमने संस्कृत में शपथ लिया और वह सफल हुआ। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? यहाँ का व्यवहार को बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सम्मान दिए। यहाँ के लोगों में एकदम एकता समाज की बनाने की अभियान में है। यहाँ सब भाईचारा के हिसाब से हम लोग होली खेले, एक करके सब कोई संपूरक बनकर अगाड़ी बढ़ रहे हैं और आने वाले दिन में यह भी हमारे साथ संकल्पित किए हैं। आप नेपाल से माननीय होकर आए हैं, बहुत जल्दी इस क्षेत्र में हम लोग तैलिक समाज से माननीय भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मेयर भी बनेंगे। बहुत खुशी लगा। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम होली मिलन समारोह था। होली मिलन समारोह तो एक बहाना है, यह समाज को दिल से दिल मिलने का, समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है। हमारा स्लोगन है, हमारा संदेश है कि तेली जगाना है, भारत बनाना है। भारत के निर्माण में तेली समाज को सबसे अधिक योगदान होना चाहिए, इसके लिए यह कार्यक्रम एक एक तेली को जोड़ रहे हैं कि तेली समाज जो हमारा पहले से पिछड़ा हुआ है, हमारा समाज मजबूत होगा, हर दृष्टिकोण से मजबूत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। सदियों से देश के निर्माण करने में, देश के सहयोग करने, देश को मजबूत बनाने में तेली समाज का योगदान रहा है। जैसे बाबा गोरखनाथ से लेकर के मुगल वंश के समय में, भामाशाह से लेकर के देश के आज़ादी कराने में महात्मा गांधी से लेकर के, और अभी नरेंद्र मोदी जो देश को मजबूत करने में जो काम कर रहे हैं, यह तेली समाज के कुल ने यह समाज को, देश को मजबूत करने का काम किया है। उसी तरह से हम अपने तेली समाज को, देश को मजबूत, भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं।